अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी भी ऐसा गेम खेला है जिसके वजह से आपको अपने घर में खूब डांट पड़ी हो, या मे बी किन्हीं किन्हीं को मेरे दोस्त की ही तरह बाय वन गेट वन जैसे थोड़े घूसे भी पड़े हूं, पर फिर भी आप उस गेम का एंड नहीं कर पाए हो। हाँ भाई, जानता हूँ उस समय हमारी फीलिंग्स कुछ ऐसी होती है। लेकिन आज आप बिल्कुल फिकर मत करो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं उसका अंत भी जरूर होता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसी पॉपुलर गेम्स की एंडिंग आपके लिए लाया हूँ जिनकी एंडिंग आज भी इल्यूमिनाटी की ही तरह मिस्ट्री बनी हुई है। सो लेट्स डाइव इन टू द टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर गेम एंडिंग्स। सुपर मारियो। सुपर मारियो कोई एक इकलौता गेम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी गेम्स की सीरीज है और सारे ही गेम्स की अलग अलग एंडिंग्स है। मगर आज जिस गेम की एंडिंग हम जानने वाले हैं वो और कोई नहीं, सुपर मारियो गेम सीरीज का पहला गेम और 1985 में रिलीज हुई सुपर मारियो ब्रॉस है। अब सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि हमारे मारियो चचा इस गेम में एक 9 to 5 जॉब करते हैं, तो वो जान लो, जी हाँ, वो इस गेम के स्टोरी लाइन में एक जॉब करते हैं और वो भी एक लंबर का। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बार उनकी प्रिंसेस यानी कि प्रिंसेस पिच किडनैप हो जाती है। अब पूरे गेम स्टोरी में हमारे मारियो चचा प्रिंसेस को बचाने के लिए अपने भाई ल्यूगी की लुंगी चुराकर मशरूम वर्ल्ड में कुछ इस तरह से भागते फिरते हैं। बाय द वे, वो सच में लुंगी नहीं चुराते हैं। हाँ, तो अब अगर आपने मारियो गेम खेला या फिर देखा होगा तो आप इस भागम दौड़ को इस गेम के गेमप्ले के साथ रिलेट कर पाओगे, और साथ ही अगर आपने इस गेम के स्टोरी लाइन को समझ लिया तो आप आसानी से इसकी एंडिंग को भी गेस कर पाओगे। हाँ गाइस, इसकी एंडिंग भी मारियो और विलेन बाउज़र जो कि कपटी कोपास का किंग होता है इन दोनों के फाइट के साथ ही खत्म हो जाता है, जहां मारियो बाउज़र को हराकर प्रिंसेस पीच को बचा लेता है और फिर से गेम लेवल 1 पर रिसेट हो जाता है। GTA Vice City। गाइज, मैं इस गेम के बारे में क्या ही कहूँ, इस अमेजिंग गेम के साथ सभी की ही गजब की यादें जुड़ी हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2002 को रिलीज हुई GTA Vice City की। जैसे विंडोज के वर्ल्ड में विंडोज 7 की रिस्पेक्ट है, ठीक वही रिस्पेक्ट GTA के वर्ल्ड में GTA Vice City की है। मुझे यकीन है कि अगर आपने बचपन में गेम खेलने के लिए मम्मी की चप्पलें खाई होंगी तो उनमें से एक दो चप्पलें आपने इस गेम को खेलने के लिए भी खाई होंगी। अब मैं आपको एक सच बात बतलाता हूँ, GTA Vice City एक ऐसी गेम है जिसको खेला तो सभी ने होगा, पर मिशन कंप्लीट करने के लिए नहीं बल्कि ओपन वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। वो क्या है ना, बचपन में हम सभी इसे ऐसा गेम समझते थे जिसमें हम कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप इसकी एंडिंग को देखने वाले हो। तो इसके एंडिंग में ये होता है कि जब सोनी मामू को पता चलता है कि गेम का मेन कैरेक्टर टॉमी वाई सिटी में उसका काम नहीं कर रहा है, तो वो टॉमी से वाई सिटी फिरौती मांगने पहुंच जाता है। और जब टॉमी और सोनी के बीच पैसों की वार्तालाप हो रही थी तब सोनी को ये पता चल जाता है कि बैग में नकली पैसा है, क्योंकि लेंस चचा टॉमी के फ्रेंड नहीं बल्कि सोनी का सीक्रेट एजेंट होता है। अब क्या, अब टॉमी और सोनी एंड हिज गैंग्स में होती है फाइट, जिसमें टॉमी सोनी और लेंस को मारकर वाई सिटी का दी एंड ओनली बॉस बन जाता है, और यही हो जाता है गेम का राम नाम सत्य यानी कि दी एंड। टेंपल रन। अब जिस गेम की मैं बात करने जा रहा हूँ, पबजी जैसे गेम आने से पहले सभी उसे अपना सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि अपना दिमाग, गुर्दा और फेफड़ा भी देकर बैठे थे। हाँ, वो बात अलग है कि पबजी और फ्री फायर आने के बाद सभी ने अपनी पार्टी चेंज कर ली। बाय द वे, आपको ये जान लेना चाहिए कि ये गेम सब्बे सफर से भी एक साल पहले 4 अगस्त 2011 को ही इमांगिया स्टूडियोज द्वारा रिलीज हो चुकी थी, मगर इसको पॉपुलैरिटी अपने कॉम्पिटिटर सब्बे सफर से ही मिली थी। ये एक 3D इंडलेस रनर गेम है जिसमें आपको उस एक्सप्लोरर का कंट्रोल दिया जाता है जो टेंपल से एंसेंट रिलिक्स को चुराकर भागता है और जिसको टेंपल के डेमोनिक मंकीज चेस करते हैं। खैर, इस भागम भाग वाली गेम को खेलते वक्त क्या आपके ब्रेन में ये ख्याल आया है कि आखिर इस गेम का एंड कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम का कोई एंड है ही नहीं। दरअसल इस तरह के गेम्स को बनाने के लिए जिन प्रोग्राम्स का यूज होता है उनमें ये काइंड ऑफ एल्गोरिथम सेट किया होता है जिनसे वही गेम प्रोग्राम न्यू एंड रैंडम रनिंग ट्रैक्स को जनरेट कर सकते हैं, जिनसे आपको वो रनिंग ट्रैक्स कभी भी नहीं मिलेंगे जिसमें आपके कैरेक्टर ने पहले कभी दौड़ा हो। सोनिक द हेजहॉग। ये पॉपुलर गेम सेगा द्वारा 21 नवंबर 1992 को रिलीज की गई थी, और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि 2020 में इस गेम के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त VFX वाली मूवी भी बनी है। बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की तो इसमें एक हेजहॉग एनिमल होता है जिसके पास सुपर सोनिक स्पीड होती है और उसे डॉक्टर रोबोटनिक यानी कि एगमैन को रोकना होता है, जो सारे एनिमल्स को रोबोट में चेंज करके पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। अब अगर हम इस गेम की
एंडिंग की बात करें तो इस गेम के टोटल दो एंडिंग्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके दो एंडिंग्स हैं, गुड एज वेल एज बैड एंडिंग। दरअसल गेम्स के डेवलपर ने इस गेम के दो एंडिंग्स इसलिए बनाए ताकि ये गेम की एंडिंग इंटरेस्टिंग होने के साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो। अगर हम बैड एंडिंग की बात करें तो बैड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद भी डॉक्टर एगमैन 6 केओस इमराल्ड्स को अपने पास ही रखने में सक्सेसफुल होता है। यहाँ आप इन 6 केओस इमराल्ड्स को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बराबर समझ सकते हो। अब अगर हम इस गेम की गुड एंडिंग की बात करें तो गुड एंडिंग में फाइनल लेवल कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर एगमैन का फुल मसालेदार ऑमलेट बन जाता है और वो 6 केओस इमराल्ड्स सोनिक को मिल जाते हैं, जिससे वो अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को रोबोट्स बनने से बचा लेता है। हिल क्लाइंब रेसिंग। अब चलिए बात करते हैं कबाड़ी गाड़ी इन पहाड़ी की, यानी कि हिल क्लाइंब रेसिंग की, जिसको फिनिश स्टूडियो फिंगर सॉफ्ट ने 2012 के सितंबर में रिलीज किया था। इसमें टोटल 29 से भी ज्यादा व्हीकल्स और 28 से भी ज्यादा स्टेजेस प्रेजेंट हैं, जो इस गेम को एक अमेजिंग वर्साटाइल फेस देने के लिए काफी है। और अब तक आपने इस गेम को न जाने कितनी बार खेला होगा, लेकिन गारंटी कभी भी आप इसके एंड तक नहीं पहुंच पाए होंगे। और ये इसलिए क्योंकि इसके डेवलपर्स के अनुसार इसका कोई एंड ही नहीं है। साथ ही इस गेम के कई मॉडिफाइड वर्जन्स यानी कि मॉड वर्जन्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरह की एंडिंग देखने को मिल सकती है। पर हाँ, कई पॉपुलर र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जब शुरुआत में ये गेम रिलीज हुई थी तब इसका एंडिंग मौजूद था, जो आगे चलकर गेम से हटा दिया गया। सो गाइस, ये थी हमारी आज की फंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करना मत भूलना, और अगर आपको इसी तरह के फंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो वो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।